हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में वेस्टर्न स्टाइल ड्रेपिंग मैं आपके लिए लेकर आई हूं। आई होप आप सभी को पसंद आएंगे। अलग अलग तरीके के स्टाइल्स हैं जो कि मैंने ट्राई किए हुए हैं। आपको कौन सी स्टाइल अच्छी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। एक ही साड़ी से हम अलग अलग तरीके के स्टाइल्स देखेंगे, और कुछ फ्रॉक स्टाइल है, कुछ पार्टी वेयर ड्रेसेस हैं। आई होप आप सभी को पसंद आएंगे। तो ज़्यादा देर न करते हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो देखिएगा, यहाँ पर मेरे पास इस तरीके की एक साड़ी है, जो कि इस पर इस तरीके के पट्टी के साइज़ में गोल्डन कलर, ब्लैक कलर और ब्लू कलर, थ्री कलर में ये साड़ी है। बहुत सुंदर साड़ी है। जरी के जो फैब्रिक होता है, उस तरीके का इस साड़ी का फैब्रिक है। अब देखिएगा, साड़ी का जो मिडल वाला पार्ट है, साड़ी को जोड़कर मिडल वाला जो पार्ट है, वहाँ पर मैंने पीछे से लाते हुए यहाँ पर अब हमें क्या करना है, एक नॉट बना लेनी है। नॉट बना लेने के बाद ये जो दोनों तरफ से हमारी फैब्रिक आएगी वो बराबर की आएगी दोनों तरफ से। अभी दोनों कॉर्नर को लेते हुए इसको अब मैं इस तरीके से एक नॉट बना लूँगी, और नॉट बनाते हुए इसको मैं इस तरीके से पीछे से, गले के पीछे से हमें सामने की तरफ लेकर आना है। सो इस तरीके का कुछ हमारा पोर्शन सामने से आएगा। यहाँ पर क्या करना है, हमें एक सेफ्टी पिन लगा लेनी है, और सेफ्टी पिन लगाने के बाद इस तरीके से कमर तक कुछ पोर्शन हम छोड़ देंगे, और बाकी का जो अभी राइट साइड से पोर्शन है उसको इस तरीके से कुछ प्लेट्स में अरेंज करेंगे। सो इस तरीके से अब मैं इसको कुछ प्लेट्स में अरेंज करूँगी, और प्लेट्स अरेंज करने के बाद इसको न भूलते हुए हमें अच्छी तरीके से सेट ज़रूर कर लेना है। अगर अच्छी तरीके से आप सेट करोगे तो आपकी ड्रेपिंग एकदम परफेक्टली और बहुत ही सुंदर तरीके से दिखाई देती है, नहीं तो वो नीट एंड क्लीन लुक नहीं आता। सो प्लीट्स बनाने के बाद उसको अच्छे से सेट ज़रूर कीजिएगा। अभी लेफ्ट साइड से भी मैंने इसी तरीके से प्लीट्स को बनाया, और इसको अच्छे से अरेंज करते हुए हम कमर में इस तरीके से टक इन कर देंगे। अभी ये जो फैब्रिक है, यहाँ पर जो खुला पोर्शन है, सो इसको मैं इसी तरीके से यहाँ पर अभी टक इन कर दूँगी। सो देखिएगा, इस तरीके से टक इन करने के बाद आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से हमारी ड्रेपिंग आएगी। और ये जो कॉर्नर है, ये दोनों कॉर्नर को पीछे से हमें कुछ इस तरीके से एक नॉट बना लेनी है, और नॉट बनाते हुए आपको इसको पीछे से ही एडजस्ट कर लेना है। आप चाहे तो कमर में इसे अंदर की तरफ से डाल सकते हैं, या फिर एक बो भी वहाँ पर बना सकते हैं। अब देखिएगा, यहाँ पर मैंने एक वेस्ट बैंड लगा लिया। अब वेस्ट बैंड लगाने के बाद आप अगर इस तरीके का लुक चाहते हैं तो इस तरीके से रख सकते हैं, या फिर यहाँ पर सिर्फ आपको क्या करना है, जो नॉट हमने गले के पीछे से बनाई थी उसको निकाल लेंगे, और निकालने के बाद यहाँ पर ये जो फैब्रिक है उसको मैंने कुछ इस तरीके से ट्विस्ट किया है। ट्विस्ट करते हैं और पीछे की तरफ जो हमारा फैब्रिक है वहाँ पर अगर हम इसको सेफ्टी पिन लगाकर सेट कर देते हैं तो और भी अच्छा लुक हमारा दिखाई देता है। आप देख सकते हैं शोल्डर पर कितने अच्छे बेल्ट हमारे आए हैं, और नीचे से भी आप देख सकते हैं एक बटरफ्लाई की तरह हमारा लुक आया है। सो इसको हम कहेंगे बटरफ्लाई ड्रेपिंग। बहुत सुंदर लगती है। पीछे से भी आप देख सकते हैं एकदम नीट एंड क्लीन इसका लुक आया हुआ है, और सामने की तरफ से कुछ रिंकल्स आ जाते हैं। सो बहुत ही सुंदर लगती है। अब इसी में मैं आपको दूसरी स्टाइल दिखाना चाहूँगी। ऊपर का पोर्शन उसी तरीके से रखेंगे। अब देखिएगा, जो नॉट हमने बनाई थी उसको मैंने निकाल दिया, और फिर से एक टाइट नॉट हम वहीं पर बना लेंगे। अब नॉट बनाने के बाद अंदर की तरफ जो भी फैब्रिक आपका ज़्यादा बच गया होगा, देखिएगा इस तरीके से पीछे से भी फैब्रिक है, सो इसको हमें अंदर की तरफ ही टक इन कर लेना है। अंदर से ही जो भी हमने जीन्स वगैरह वेयर की हुई है उसमें, और पीछे से भी कुछ फैब्रिक इस तरीके से लेकर जाएंगे, और आप चाहे तो नॉट भी बना सकते हैं। तो ईजीली सिंपली इस तरीके से हमारा एक पार्टी वेयर गाउन इस तरीके से बन जाता है, जो कि इस तरीके से सामने से यहाँ पर कट भी आता है, और अगर ज़्यादा कट आपको दिखाई देता है तो आप चाहे तो सेफ्टी पिन भी लगा सकते हैं। सो इस तरीके से सिंपली हमारा जो सेकंड स्टाइल है वो भी यहाँ पर इस तरीके से दिखाई देगा, जो कि एक गाउन की तरह हम ड्रेपिंग इसको कहेंगे। बहुत ही सुंदर ये लगती है। अब हम चलते हैं हमारी थर्ड स्टाइल की तरफ। तो देखिएगा, साड़ी के दोनों कॉर्नर को जोड़ते हुए मिडल का जो पोर्शन है उसको लेना है, और यहाँ पर ऊपर की तरफ इस तरीके से अब मैं क्या करूँगी, एक नॉट बना लूँगी, और नॉट बना लेने के बाद जो भी फैब्रिक है वो दोनों तरफ से बराबर की आएगी। अभी बराबर की फैब्रिक जो आई है उसको हमें कुछ इस तरीके से प्लीट्स में अरेंज कर लेना है,
और प्लीट्स को अरेंज करने के बाद इसको अच्छे से सेट भी कर लेंगे। और सेट करने के बाद राइट साइड से जहाँ पर हमने नॉट बनाई थी उसी फैब्रिक में इसको टक इन कर देंगे। नीचे का जो लेंथ है आप देख सकते हैं, आपको अगर एकदम छोटी लेंथ में चाहिए तो उस तरीके से बना सकते हैं, थोड़ा बड़ा चाहिए तो उस लेंथ में भी आप इसको बना सकते हैं, वो आप पर डिपेंड करेगा। ये जो रैपिंग है ये एक ब्यूटीफुल ड्रेस है और छोटे बच्चों के लिए भी हम इस तरीके के जो रैपिंग है वो साड़ी से बना सकते हैं, बहुत सुंदर ये लगता है। लेफ्ट साइड से भी इसी तरीके से प्लीट्स को बनाएंगे और नीचे से हम इसको अच्छे से अरेंज भी कर लेंगे। यहाँ पर जो फैब्रिक है वो खुली पोर्शन यहाँ पर हमारा आता है, तो इसको मैं कुछ सेफ्टी पिंस लगाकर इस तरीके से सेट कर लूँगी। जो भी प्लीट्स है उसको थोड़ा सा फैलाना ज़रूर है ताकि हमारा जो ड्रेस है वो सुंदर दिखाई दे। यहाँ पर एक वेस्ट बैंड लेंगे और वेस्ट बैंड को इस तरीके से लगा लेंगे। नीचे की जो फैब्रिक है इसको ज़रूर फैलाइएगा, इससे आपकी जो ड्रेपिंग है वो नीचे से एकदम से बहुत ही सुंदर घेरदार बनेगी। आप देख सकते हैं बहुत सुंदर लग रही है, पीछे से भी आप देख सकते हैं इसका जो लुक है वो बहुत सुंदर लगता है। और जो भी प्लेट्स को बनाया था उसको अरेंज करना ना भूलिएगा। देखिएगा अच्छी तरीके से अरेंज करेंगे तो आपका जो लुक है वो इसी तरीके से परफेक्टली नीट एंड क्लीन भी लगेगा और बहुत सुंदर भी दिखाई देगा। पीछे से भी आप देख सकते हैं कितनी अच्छी तरीके से वो सेट हो चुका है और अच्छी तरीके से आया है। अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट स्टाइल की तरफ। तो देखिएगा यहाँ पर साड़ी का जो भी पोर्शन है, सो इसको अब मैं क्या करूँगी, यहाँ पर प्लीट्स को इस तरीके से हमें प्लीट्स को अरेंज कर लेना है। पूरी जो साड़ी की फैब्रिक है उसको पूरी हमें प्लीट्स में अरेंज कर लेना है और प्लीट्स को अरेंज करने के बाद इसको अच्छे से सेट कर लेंगे कुछ इस तरीके से। देखिएगा इस तरीके से, अगर ज़्यादा सिल्की वगैरह आपकी साड़ी है तो कुछ इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, दोनों को मिलाते हुए अच्छे से इसको फोल्ड करते हुए सारी प्लेट्स को आप अरेंज कर सकते हैं। देखिएगा कितनी सुंदर तरीके से हमारे प्लेट्स अरेंज हो चुके हैं। अब साड़ी को बाजू में रखते हुए यहाँ पर एक वेस्ट यानी कि इलास्टिक रबर की ज़रूरत आपको पड़ेगी, इसको बस्ट पर इस तरीके से कुछ नॉट बना लेनी है और जो भी साड़ी की प्लेट्स हमने अरेंज की थी उसको इस पर इस तरीके से डालना है। और डालने के बाद चारों तरफ से हम क्या करेंगे, अभी इसको इसी तरीके से फैलाएंगे। इसमें आपको किसी की हेल्प भी लग सकती है क्योंकि पीछे से हमारा हाथ नहीं जाएगा, सो इस तरीके से आप इसको कुछ अरेंज कर लीजिएगा। और अरेंज करने के बाद यहाँ पर कुछ खुली पोर्शन आएगा तो यहाँ पर सेफ्टी पिन से हमें अरेंज कर लेना है। अब एक वेस्ट बैंड लेंगे और इसको इस तरीके से कुछ लगा लेंगे। तो वेस्ट बैंड लगा लेने के बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे से भी एकदम घेरदार लुक आता है और ऊपर से भी डबल फ्रिल ड्रेस हम इसको कहेंगे, क्योंकि आप देख ही सकते हैं कि हमारी जो फ्रिल है वो ऊपर से और नीचे दोनों तरफ से दिखाई देती है और कितना सुंदर ये लग रहा है। अगर प्लेट्स को अच्छे से अरेंज करते हैं, कोई भी ड्रेपिंग हो वो आपको अगर नेट एंड क्लीन चाहिए तो सारी की जो भी प्लेट्स आप बनाते हैं अरेंज करते हैं उसको अच्छे से सेट ज़रूर कर लीजिएगा। अब इसी में जो सेकंड स्टाइल है, तो हमें क्या करनी है, जो भी इलास्टिक रबर हमने यहाँ पर नॉट बनाई थी उसको हम कुछ इस तरीके से लेंगे और राइट साइड से अगर आप रखना चाहते हैं शोल्डर पर तो राइट साइड से बना सकते हैं, लेफ्ट साइड से रखना चाहते हैं तो लेफ्ट साइड से भी बना सकते हैं। मैंने लेफ्ट साइड में यहाँ पर फिर से एक नॉट बना दी। यहाँ पर नीचे से हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, पहले जिस तरीके से ड्रेप किया था उसी तरीके से रखेंगे और यहाँ पर सेफ्टी पिंस लगा लेंगे एक बाजू में। फिर से एक बेल्ट लेंगे और बेल्ट लेने के बाद आप देख सकते हैं कि हमारी जो फ्रिल है वो शोल्डर पर कुछ इस तरीके से आएगी और कितना प्यारा लुक यहाँ पर आया है, एकदम परफेक्टली और नीट एंड क्लीन भी लग रहा है। छोटे बच्चों को अगर हम इस तरीके की ड्रेस आप अगर पहनाती है तो और भी सुंदर लगेगा, मुझे पर्सनली बहुत अच्छा लगा। फर्स्ट स्टाइल में इसमें जो हमने देखा था फ्रॉक वो भी अच्छा था, लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लग रहा है। आपको कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सो देख ही सकते हैं पीछे से भी ये लुक बहुत सुंदर आता है। अब हम चलते हैं हमारी नेक्स्ट स्टाइल की तरफ। सो देखिएगा यहाँ पर जो भी हमारी साड़ी है इसको अब हमें क्या करना है, फिर से कुछ प्लेट्स में अरेंज कर लेना है। सो इस तरीके से मैं इसको अरेंज कर लूँगी और अरेंज करने के बाद जो भी थोड़ा सा पोर्शन हमें यहाँ पर कुछ पोर्शन छोड़ देना है, कुछ इतना पोर्शन पर लू जितना हम छोड़ते हैं उससे थोड़ा सा कम
और बाकी की जो साड़ी है उसको प्लेट्स में अरेंज कर लिया। अभी यहाँ पर सारे प्लेट्स को अच्छे से सेट करेंगे और एक पिन लगा कर मैं इसको बाजू में रख दूँगी। अभी एक वेस्ट बैंड या सॉरी एक रबर बैंड लेंगे और यहाँ पर वेस्ट पर इसको इस तरीके से एक नॉट हमें बना लेनी है। नॉट बना लेने के बाद जो भी हमने प्लेट्स को अरेंज किया था उन सारी प्लेट्स को अब मैं कमर में टक इन कर दूँगी। जो भी पिन लगाई थी मैंने निकाल दी है, आप देख ही सकते हैं। अब इसको मैं कमर में कुछ इस तरीके से टक इन कर दूँगी। यहाँ पर मैंने फैलाया नहीं है, थोड़ा सा सिर्फ अरेंज किया है। अभी जो भी राइट साइड का ये फैब्रिक है उसको पकड़ेंगे और रबर बैंड में टक इन करते हुए कुछ इस तरीके से वेस्ट हम टक इन कर देंगे। ये जो फैब्रिक है अभी यहाँ पर सो इसको इस तरीके से कुछ पीछे से लाते हुए हमें सामने की तरफ लेकर आना है और इसको थोड़ा सा फोल्ड करते हुए अब हम अच्छी तरीके से बस पर अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। एक तरफ से अगर ज़्यादा फैब्रिक आपकी आती है राइट साइड से आप देख सकते हैं उसको फोल्ड ज़रूर कीजिएगा। सो कुछ इस तरीके से लेंगे और यहाँ पर अब मैं इसको कुछ इसी तरीके से टक इन कर दूँगी और कुछ सेफ्टी पिंस लगा लूँगी। जहाँ पर आपको ज़रूरत पड़े वहाँ पर सेफ्टी पिंस ज़रूर यूज़ कीजिएगा। सो देख सकते हैं आप कि कितनी अच्छी तरीके से ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक वेस्ट बैंड हम लगा लेंगे फिर से, इससे लुक थोड़ा सा अच्छा दिखाई देता है और अच्छी तरीके से ये आप देख ही सकते हैं कि अच्छे तरीके से सेट भी हो चुका है। नीचे से भी प्लीट्स कुछ इस तरीके से दिखाई देते हैं, पीछे से ये कुछ इस तरीके से आएगी। सो बहुत ही ब्यूटीफुल ये गाउन हमारा रेडी हो चुका है। दोस्तों आपको कौन सा लुक अच्छा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं जानना चाहूँगी। सो अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टाइल की तरफ। तो देखिएगा यहाँ पर हमें क्या करना है, साड़ी के दोनों कॉर्नर को इस तरीके से मिला लेना है और दोनों कॉर्नर को लेते हुए यहाँ पर अब मैं क्या करूँगी, इसको थोड़ा सा ट्विस्ट करूँगी कुछ इस तरीके से। इसको ट्विस्ट करने के बाद यहाँ पर बस्ट पर हम लगाएंगे और पीछे से इसको यहाँ पर एक नॉट बना लेनी है अच्छी तरीके से। हम एक नॉट बना लेंगे। अब नीचे से जो भी हमारा फैब्रिक है वो कुछ इस तरीके से हमें लेकर जाना है, कुछ इस तरीके से जो भी फैब्रिक है हमारी उसको हम पैर के नीचे से निकालेंगे और निकालने के बाद इस तरीके से लेते हुए यहाँ पर फिर से हमें कुछ ट्विस्ट करना है। ट्विस्ट करेंगे और इसको पीछे से अब मैं क्या करूँगी, इस तरीके से पीछे से लेते हुए सामने की तरफ लेकर आना है और यहाँ पर थोड़ा सा फिर से अच्छी तरीके से ट्विस्ट ज़रूर करना है क्योंकि एक ऊपर की तरफ भी बेल्ट हमारी दिखाई दे इस तरीके से। अब पीछे ले जाकर गले के पीछे से अब हम इसकी नॉट बना लेंगे। सामने से ये लुक कुछ इस तरीके से आएगी। अब ये जो है तो जैकेट स्टाइल ड्रेस हमारा बन जाएगा। यहाँ पर एक सेफ्टी पिन मैं लगा लूँगी। सो ये हो गया इस तरीके का एक ड्रेपिंग। आप देख सकते हैं कि डंगरी ड्रेस पैटर्न जो होता है उस तरीके की ड्रेपिंग हमारी आती है। अगर आप इस तरीके से रखना चाहते हैं तो इस तरीके से भी रख सकते हैं, लेकिन मैं आपको इस तरीके से सेकंड स्टाइल दिखाना चाहूँगी इसी में कि आपको क्या करना है, सिर्फ नीचे का जो फैब्रिक है उसको उठा लेना है और इस तरीके से यहाँ पर थोड़ा सा ऊपर की तरफ हम क्या करेंगे, जो भी फैब्रिक हमारी बची थी उसको अंदर की तरफ डालते हुए मैंने पीछे की तरफ से सेफ्टी पिंस लगा लिए हैं और आप देख ही सकते हैं कि कितने अच्छी तरीके से ये लुक हमारा आया है। एक डंगरी पैटर्न में ही यूनिक स्टाइल हम इसको कहेंगे। पीछे से भी ये इस तरीके से आता है, आप देख ही सकते हैं। सो आपको कौन सा अच्छा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।